सब सबको आवाज आ रही है ना अभी? यस सर। ठीक है स्टाफ, आप लोग का साउंड में बंद कर देता हूँ, बाद में जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आप लोग जो भी क्वेश्चन करने सवाल पूछना है तो उसको लिख के रख लीजिएगा, एक एक करके हम सब सवाल ले लेंगे, ठीक है? ओके। हेलो, आवाज जा रही है आप लोग को? आवाज कंट्रोल करेंगे, तुम देखो तो मीटिंग में, उसकी मीटिंग आवाज जा रही है। जल्दी से बस करता हूँ। यहाँ से कैसे फिर से निकाल कर उनको सुनना है, तो एक मिनट। हेलो, ये जो स्लाइड की पहली पेज है कोविड 19, ये दिख रही है ना आप लोग को? जी जी, ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का पर्पस ये है कि हम लोग जो कोविड-19 है, कोविड-19 का मतलब कोरोना वायरस डिजीज 19, मतलब 2019 में ये चूंकि हुआ है इसलिए 19 इसका नाम पड़ा है, और जो इन्फेक्शन है इसके थ्रू, मतलब जो वायरस से इन्फेक्शन होता है उस वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस COV2। तो डिजीज का नाम हो गया कोविड-19 और उसके वायरस का नाम हो गया SARS-CoV-2। तो इसको ट्रेनिंग का पर्पस ये है कि गवर्नमेंट हमसे चाहती है कि जो हमारा पैरामेडिक्स है, जिसमें नर्सेज, कंपाउंडर, रेसिडेंट, जो वार्ड में, ओपीडी में, आईपीडी में वर्क करते हैं हमारे स्टाफ, आयुष कॉलेज, अपने कॉलेज में खास के, तो उनके लिए है कि वो ट्रेंड रहें कि आगे अगर मान लिया अगर कोई जरूरत पड़ती है हमको, या फिर ये डिजीज और ज्यादा फैलता है, इसका जो और ज्यादा फैलाव होता है देश में या अपने राज्य में, तो उस कंडीशन में हम लोग से काम लिया जा सके। तो ये एक मीटिंग 7 तारीख को हुई थी, फिर 9 तारीख को हुई थी, तो किसी वजह से आप लोग उसमें नहीं जुड़ पाए थे। तो स्ट्रिक्ट, पूरा स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट इसमें कि एक एक आदमी को ट्रेनिंग लेना जरूरी है, और ताकि ये एश्योर कर लें कि आप लोग इसमें मतलब इस चीज को समझ चुके हैं डिजीज को। आगे कभी भी जब सरकार आपको किसी भी रोल में इस पे काम अगर लेना चाहेगी तो उस कंडीशन में आप इसके लिए तैयार रहें। इसको नाम दिया गया है कोविड वॉरियर के तौर पे, मतलब जो फ्रंट लाइन लड़ाका हो गए, जो इस डिजीज से लड़ने की बात होगी अगर अपने राज्य में और बढ़ता है तो सरकार हमसे इस लेवल पे और काम ले सकती है। तो उससे पहले कि हम इस डिजीज को समझें, और बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा, कोई दिक्कत होगी मैं हिंदी में ही बोलूंगा, तो इसको सवाल कीजिएगा और उससे पूछिएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए एक डेथ टोल करके आता है कि दुनिया में अब तक जो होने वाली महामारियों से मरने वाले लोगों का ये लिस्ट दिखा रहा है, ठीक है? इसमें क्या है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महामारी से लोग मरा है प्लेग से। अब देखिएगा सबसे बड़ा वाला गोला जो एकदम लेफ्ट में है, उस वो प्लेग से 1347 से लेकर 1351 के बीच आया था, ब्लैक डेथ, 200 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इतने लोग मर गए प्लेग से। यही महामारी जो हम जिस देख रहे हैं ना, इस तरह की एक महामारी थी प्लेग। फिर देखिए सेकंड पे स्मॉल पॉक्स आता है। स्मॉल पॉक्स अब दुनिया में नहीं रहा, 80s में जो है वो दुनिया से इस बीमारी को हमने खत्म कर दिया, लेकिन आप देखिए कि स्मॉल पॉक्स हमने दुनिया से खत्म कर दिया और बिना किसी इलाज के। अब तक स्मॉल पॉक्स का कोई इलाज नहीं था, लेकिन कैसे खत्म कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ उससे बचाव करके, टीकाकरण करके स्मॉल पॉक्स अब खत्म हो गया है। इस मतलब क्या हुआ कि अगर डिजीज में किसी भी बीमारी का
हमारे पास इलाज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको खत्म नहीं कर सकते, रोकथाम करके प्रिवेंशन करके भी खत्म कर सकते हैं। इसी तरह जो डिजीज अभी हमारे पास है उसका नाम है कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोविड 19 है, नीचे में देखिए, जब जिस दिन हमने ये पिक्चर लिया था उस दिन जो है 8,500 लोग सिर्फ मरे थे, और आज की डेट में हम डाटा देखिएगा कि 100,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इस स्लाइड का मतलब ये हुआ कि डिजीज को अगर रोकना हो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसका इलाज ही हो, रोकथाम से भी हम उसको रोक सकते हैं। दूसरे, अगर आप लोगों को कोई सवाल होगा तो चैट रूम में जाके, चैट रूम होता है उसमें जाके आप सवाल बीच में कर सकते हैं, किसी को आवाज नहीं आ रही हो तो वो भी जाके आप कर सकते हैं इस बीच में, क्योंकि आप लोगों को हमने म्यूट कर दिया है तो पूरी आवाज आप लोगों की हमको सुनाई नहीं देगी, लास्ट में आपसे क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि ये पूरी दुनिया का आपको दिखाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में किस तरह से ब्लू डॉट्स की तरह दिखाया गया कि फैला हुआ है, बुरी तरह से फैला हुआ है। ये जब हमने लिया था 10 तारीख का डाटा था, उस वक्त इंडिया में 199 डेथ हुई थी, 5709 केसेस हुआ था। आज की डेट में देखिए यहाँ पे दो डाटा है, वर्ल्ड डाटा एक लेफ्ट में आपको लिखा हुआ है जिसमें 2,33,240 लोगों को अब तक, सुबह 7:30 बजे का जो टाइम था तब तक जो है ना 2,33,240 लोगों को पूरी दुनिया में ये हो चुका है, कन्फर्म केस है ये, जिसमें से 1,60,818 मर चुके हैं और 6 लाख समथिंग के आसपास रिकवर्ड कर चुके हैं। अगर इंडिया का डाटा आप लीजिएगा तो इंडिया के डाटा में आप देख लीजिए कि अभी तक, उस दिन दिखाया था मैंने कि 10 तारीख को जो हमने मीटिंग ली थी 9 को, तो उस 9 को आप देखिए कि सिर्फ 5709 लोगों को हुआ था, 199 लोग की डेथ हुई थी। आज के डेट में इंडिया में सुबह 7 बजे तक का जो अपडेट है उसमें से 16,365 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 521 लोगों का डेथ हो गया। अभी हम जो सोच रहे हैं, देख रहे हैं आपसे, तो कुछ डेथ रेट बढ़ भी गया होगा, और 2,446 लोग रिकवर्ड कर चुके हैं। तो एक जो ट्रेंड आ रहा है उसके हिसाब से रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, मतलब अब बढ़ रहे हैं लोग, ज्यादातर रिकवर कर रहे हैं इससे। इसलिए बेसिक्स इस डिजीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दूसरे, हमारा क्या रोल होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पे, अगर सरकार हमको कहीं ड्यूटी लगाती है उसको भी समझना है। रोल इसमें जो हम पढ़ेंगे आज, वो पूरे में ये 6-8 चीज पढ़ेंगे, 7 चीज, जिसमें रोल ऑफ आयुष हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमारा क्या रोल होगा, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं अगर हमको हमारी ड्यूटी लगती है। प्रिवेंशन, सेफ प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी, किस तरह से पूरे कम्युनिटी में या फिर अपने जहां भी हम रह रहे हैं सेफ्टी के का काम कैसे करना, कैसे बचना है, जैसे लॉकडाउन अभी चल रहा है तो उसको कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे। कम्युनिटी सर्विलेंस, अगर हमारी ड्यूटी लगती है तो सरकार चाहेगी कि जो हमारे कम्युनिटी में, एरिया में, जहां भी जिस भी वार्ड में भेजती है तो वहां से हमको पता लगाना है कि कैसे उसके सस्पेक्टेड केस, जिनको डिजीज हो गया है या फिर जो डिजीज जिनको हुआ है उसके कॉन्टेक्ट में जो रहा है उसको कैसे पता लगाना है। उसके बाद सपोर्टिंग पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी इन हाउस होल्ड, किस तरह से पूरी कम्युनिटी को हम लोग घर में रहने वालों को या बाहर लोग गैदरिंग में उनको समझाएंगे कि क्या क्या करना है ऐसी कंडीशन में आपको, क्योंकि हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो हम लोग जो बोलेंगे कम्युनिटी में तो लोगों को ज्यादा यकीन होगा कि हाँ ये लोग डॉक्टर हैं या फिर आप लोग हेल्थ केयर स्टाफ हैं तो इनकी बात ज्यादा वैल्यूएबल है, वो समझेंगे इस बात को। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में पाई जा रही है कि लोग इसको डिजीज के बारे में गलत गलत चीजें मन में ले रहे हैं, तो उसको भी हम समझेंगे, उस पर बात करेंगे किस तरह से गलतफहमी को दूर किया जाए। उसके बाद कम्युनिकेशन, पर्सनल सेफ्टी फॉर हेल्थ पर्सनल, हम जब खुद मैदान में जाएंगे तो हमारा खुद का डिफेंस कैसे होना चाहिए, मतलब ये कि हम कैसे अपने आप को बचा सकें। पहली चीज जो है वो खुद को सेफ करना है, खुद नहीं जाना है। कई केसेस ऐसे आए हैं कि जहां पर डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने या फिर हमारे पैरामेडिक्स ने खुद का प्रोटेक्शन नहीं रखा तो वो खुद इन्फेक्टेड हो गए, तो ये भी हम इसमें बात करेंगे। हाउ टू मीट ए स्पेशल कम्युनिकेशन नीड इन अर्बन एरियाज, शहरी एरिया में देखिएगा घनी आबादी होती है तो उसमें किस तरह से हम लोगों को कम्युनिकेट कर सकें और उससे बात कर सकें, वो भी हम बात करेंगे। ये पूरा जो आज के मीटिंग में हम लोग बात करने वाले, इसी को एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आज हम टोटल क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे। आपको बताया कि रोल ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर, यानी हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर की तरफ अगर काम करते हैं तो हमारा क्या काम होगा, सरकार हमसे क्या काम लेना चाहेगी, वो हम पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन टू द कम्युनिटी, अगर हम लर्न्ड है या आज सीख रहे हैं चीजों को तो कम्युनिटी में, लोगों में जो हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, चैट पे, सोशल मीडिया पे, उसको क्या इन्फॉर्मेशन हम देंगे, वो बात होगी यहाँ पे। तीसरे, कम्युनिटी सर्विलेंस, जो पीछे हमने बात की, सर्विलेंस हम कैसे करें।
लोगों में जो भ्रांति है उसको कैसे दूर करें, पब्लिक में हाउस होल्ड लेवल पे लोगों को बताएं घर में रहना है तो कैसे रहिए, क्या क्या हेल्दी प्रैक्टिसेस करना है, किस तरह से रहना है, दूसरे पर्सनल सेफ्टी जो पीछे भी हमने बात की उस पर बात करेंगे हम। ये देखिए इस डिजीज के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे सबसे पहले कि चाइना का, जैसे अपने यहाँ बिहार एक राज्य है उसी तरह चाइना का एक प्रोविनेंस कहलाता है वहां पे, मतलब राज्य समझ लीजिए, उसका नाम है हुबे, हुबे प्रोविनेंस में एक छोटी सी जगह है वुहान, वुहान से ये डिजीज फैली दिसंबर 2019 में, और उसके बाद पूरी दुनिया में आज आप देख रहे हैं कि कोई दुनिया का ऐसा एरिया नहीं जहां पर अभी तक नहीं फैला है। ये दिसंबर के आसपास सबसे पहले कैसे रिपोर्ट हुआ डिजीज समझना पड़ेगा हम लोग को, कि केसेस आए निमोनिया के, हॉस्पिटल्स था उसमें देखा कि निमोनिया केसेस आए, उसमें 41 केस आया जिसमें से 66% का रिलेशन हुआ वुहान में, एक जगह वुहान जहाँ पे मीट का जो सी फूड्स वगैरह जहाँ पे होता है वुहान में, तो वहाँ की मार्केट से उसका जुड़ाव था, जो वहाँ पे समुन्द्र से निकलने वाला या जानवरों को सेल होने वाले जो मार्केट था वहां से लिंकअप हुआ, तब सरकार को वहां लगा कि लग रहा है निमोनिया जो हो रहा है लोगों को, निमोनिया सांस की बीमारी है फेफड़े की, तो उसका लिंकअप हुआ सबसे पहले पता चला तो वुहान से। तो इस तरह से हुआ कि 12 दिसंबर को सबसे पहले रिपोर्ट हुआ केस, 31 दिसंबर को चाइना ने उसको WHO को रिपोर्ट कर दिया, 1 जनवरी को जो वुहान सी फूड मार्केट था उसको बंद कर दिया, फिर 3 जनवरी को इंडिया ने इसको नोटिफाई किया WHO को, इंडिया नोटिफाइड बाय WHO, WHO ने इंडिया को भी बताया, 7 जनवरी को उसका नाम दिया गया 2009 COV आइडेंटिफाइड, मतलब कि उसका नाम हुआ नोवल कोरोना वायरस, पहले सुन देंगे वो कॉलर ट्यून में आता होगा नोवल, अब नाम बदल के COVID-19 हो गया है। 12 जनवरी को वुहान में, वुहान जो शहर जहां से फैला वो जो छोटा एरिया है वहां पहला 12 जनवरी को डेथ हुआ, थाईलैंड में दुनिया से चाइना से बाहर जो पहला डेथ हुआ है वो हुआ 13 जनवरी को, और 30 जनवरी को पहला केस डिक्लेयर्ड हुआ इसमें इंडिया में, जो कंफर्म केस 30 जनवरी को पहला केस, 30 जनवरी देख लीजिए शुरू कहां से हुआ था, 12 दिसंबर से, 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में रिपोर्टेड, वो भी कोई स्टूडेंट वहां से चाइना से आया था इंडिया। 11 फरवरी को इस वायरस का फिर से नाम बदला गया, क्योंकि एन लगा दिया था नोवेल का, मतलब जब तक अभी पता नहीं चला, अब मेन नाम इसका आया सार्स COV2, ये वायरस का नाम है और डिजीज का नाम है COVID-19 जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 12 फरवरी को WHO ने कहा कि रीजनल, मतलब कुछ एरिया का आउटब्रेक है, उसके बाद 11 मार्च को WHO ने कहा कि ये वैश्विक महामारी है, मतलब कि ग्लोबल पेंडेमिक है ये, 11 मार्च को ये डिसाइड हुआ, 2 अप्रैल तक इंडिया में जो केसेस था वो डाटा दिया हुआ, आज की डेट में आपने देखिए 500 से प्लस लोग मर चुके हैं, मतलब इंडिया का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो सस्पेक्टेड नहीं है और जहां भी ये फैल नहीं सकता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। ठीक है, कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस की, श्वास नली की ऊपर बीमारी है, ये वायरस से होता है जिसका सार्स की के नाम है। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं, मतलब कि जो लक्षण है, ठीक है, जो पेशेंट आपको बताएगा उस लक्षण में सबसे पहले इसका फीवर है, कफ है और सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर आपके बाद आपको बताएगा कि उसको जो है वो बॉडी में भी दर्द हो रहा है। ये देखिए राइट साइड में साइन एंड सिम्टम्स ऑफ चाइना में जो देखा गया, सबसे ज्यादा जो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा 90% पेशेंट के अंदर फीवर बताता है वो, उसके बाद कफ यानी खांसी बताएगा 70% के आसपास, 40% के आसपास बताएगा कि बदन दर्द हो रहा है, स्पूटम बताएगा 34% लोग की, उसको कफ जो आ रहा है उसमें बलगम भी आ रहा है, शॉर्टनेट ऑफ ब्रेथ 20% लोग बताएगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही, तंगी हो रही है उसको, मतलब बीच बीच में सांस रुक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद माइल्ड यानी पूरे मसल्स में दर्द, सोर थ्रोट, गले में खराश हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, चिल्स मतलब थोड़ा ठंड के साथ जो है उसको फीवर आएगा, वोमिटिंग के केसेस हो सकते हैं, डायरिया मतलब के लूज मोशन हो सकता है, मेनली फीवर, कफ और खांसी जो होता है ना, ये खांसी हुआ और बुखार हुआ और उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी में सांस लेने में तंगी हुआ, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस पहले भी था, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये वाला जो कोरोना वायरस आया इसकी प्रजाति अलग है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको ध्यान रखना है कि ये फैलता कैसे है। 3 तरह से ये फैल सकता है। किसी को कोरोना वायरस हुआ है तो वो आदमी जब खांसेगा तो उसके मुंह से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं वो बहुत छोटे होंगे तो हवा में वो 4-5 मीटर तक जा सकता है, बड़े वाले कण आपको 1 मीटर तक जा सकता है। इसलिए डायरेक्ट किसी ने खांसा और सामने वाले के नाक में, मुंह में या आंख में चला गया तो उससे फैल सकता है।
या फिर एक आदमी ने खांसा, उसके हाथ में लग गया, उसके रुमाल में लग गया, कहीं भी लगा, उसने डायरेक्ट किसी से हाथ मिला लिया, सामने बच्चा है उसका मुंह छू दिया, या फिर कोई ऐसी चीज घर में मोबाइल यूज कर रहे हैं, गेट आपका है या फिर टेबल है, या कोई भी पेन वेन यूज किया, आपने खांसा उस पर लग गया, दूसरा उसको यूज कर लिया, तो उससे भी फैल सकता है। मतलब मुंह, नाक और आंख, इस रूट से ये आपको फैल सकता है। ठीक है, कोई हैंड रेज कर रहे हैं, हैंड रेज करने वाले आप मैसेज छोड़ दीजिए अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो। क्वेश्चन हम लोग लास्ट में लेंगे, एकदम जब ये हमारा खत्म हो जाएगा सेशन, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो वो आप मैसेज कर सकते हैं इसमें कि सुनाई नहीं दे रहा है, व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं, मेरा नंबर लगा हो इसी में मैसेज कर दीजिएगा, दिख जाएगा। खैर, तो ये इस तरह से हमने देखा किस तरह से ये फैलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग, जो अभी हम लोग लॉकडाउन देख रहे हैं, आप समझिए इस बात को कि हम इसको अगर फॉलो नहीं करते हैं, अगर हमने फॉलो नहीं किया तो एक आदमी अगले 5 दिन में 3 आदमी तक को फैला सकता है, और वही 3 आदमी अगले 30 दिन में 406 लोगों को फैला सकता है। मतलब अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं, एक पर्सन 406 आदमी को एक महीने में फैला सकता है। अब सोचिए, एक आदमी से जो ये 406 को हुआ, ये 400 लोग को एक को 400 डिवाइड कर, गुना कर दीजिए, कितने लोगों को हम फैला सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां भी आप हैं, आप इसको लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो करें और लोगों को समझाएं। जैसे इस तरह की चीज मैं शेयर कर रहा हूं तो फिर ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं ये स्लाइड भी आपको दे दूंगा, तो ये स्लाइड जो आपको जाएगी इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों में आप स्क्रीनशॉट लेके एक पेज को आप डालिए, ताकि आप जब लिखिएगा तो कम्युनिटी में लोग समझेगा, अरे तो हॉस्पिटल से जुड़ा है ये, खुद नर्स है, पैरामेडिक्स है, तो ये चीज को, ये जो कह रहा होगा बात सही है, क्योंकि अभी भी लोगों को इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता नहीं है। ठीक है, पहले लेसन में हम पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमको क्या करना है, क्यों हमारी जरूरत पड़ी लोगों को, क्यों सरकार हमको ट्रेन करना चाह रही है। देखिए, ये अभी की डेट में जो हम गुजर रहे हैं, इससे भी भयानक आने के चांसेस हो सकते हैं। अब मेडिकल स्टाफ बहुत कम है पूरे भारत में, बहुत कम है, इस वजह से सरकार जो आयुष के स्टाफ है उसको तैयार कर रही है कि अगर मेजर रोल होता है, बड़ा बढ़ता है इसको, थोड़ा सा महामारी का रूप और विकराल होता है, तो इन लोगों को भी हम यूज कर सकें, जो डिमांड बढ़ रही है उसको करने के लिए। इमरजेंसी कोई बीच में आ जाए किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पटना में कायक बढ़ गया, स्टाफ कम है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हम ला नहीं सकते हैं, तो उसमें भी हमारा यूज हो सकता है। जो सिस्टम मेनली जो लड़ रहे हैं हम लोग, तो बचे हुए कॉलेज में होने की वजह से, आयुष वाले जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सेज उस सब के सब अपना ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो उन लोगों का तक मामला हो रहा है, लेकिन हम लोग कॉलेज वाले को अभी सरकार ने रोक रखा, कहीं यूज नहीं किया, तो इस कंडीशन में हमको यूज कर सकते हैं। अवेयरनेस हम फैलाएं कम्युनिटी में, इसलिए हमारी ये जरूरत है कि हम क्यों हमको सरकार ट्रेन कर रही है। जो प्रिवेंशन यानी बचने का तरीका है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर पे रह के क्या कर सकते हैं, किस तरह से क्वारंटीन होता है एक सब की, जैसे सस्पेक्टेड केसेस को हम 14 दिन तक के लिए बंद कर दिया कहीं भी सबसे अलग करके, तो वो सब हम लोगों को समझाना है। लोगों के अंदर में जो भ्रांति है, कुछ लोग कहते हैं लहसुन खाओ सही हो जाएगा, या डिफरेंट टाइप के जो क्लेम्स कर रहे हैं उसको दूर करना है हमको, पॉजिटिव चीज बतानी है स्टोरी उनको, डराना नहीं है लोगों को, जैसे कोई सही हो गया इतने परसेंट लोग, जैसे आप बता सकते हैं कि 4-5% मैक्सिमम लोग इससे मर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 85-95% लोग जो है वो रिकवर हो जा रहे हैं, तो ये चीज जब लोग को बताइएगा कि अरे 5% को 100 में से 5 लोग की डेथ हो रही है, बाकी 95% तो बच जा रहा है, तो लोगों में हो पाएगा इतना दिन से जो लॉकडाउन है उनको लगेगा नहीं यार बीमारी इतनी बड़ी चीज नहीं है। दूसरे कोई भी चीज जो इससे रिलेटेड हम शेयर करें तो वो साइंटिफिक हो, प्रूवन हो, अच्छी जगह से आपने लिया है, कहीं से WHO से हो, या मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर इंडिया से, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से हो, उसी को हमको शेयर करना है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी एडवाइजरी है, जो भी प्लान है, जो भी स्कीम है, उसको हमको सपोर्ट करना है एज ए मेडिकल पर्सनल, और उसको लोगों में फैलाना भी है। अगर कम्युनिटी सर्वेलेंस का काम हमको मिलता है, हाउस टू हाउस मिलेगा, तो वो भी आगे करना है, और उसको फिर रिपोर्टिंग एंड फीडबैक करना है, बताना है सरकार को, वो जब हमको हमारी ड्यूटी लगेगी अगर, तो सरकार हमको सारा परफॉर्मा देगी, उसको लेके फिर हम वो पूरा करेंगे, तो वो आगे बात है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो काम हम करना पड़ेगा हमको। जैसे आप देख लीजिए कोविड वॉरियर्स कैसे रिपोर्ट करेगा, एक हमने ये ट्रायंगुलर समझाया इसमें, तो इसमें क्या है कि हम लोग सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे, हमारे ऊपर होता है
जो कॉलेज है हमारे कॉलेज को, जैसे मैं मास्टर ट्रेनर हूँ अपने कॉलेज का, तो आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर प्रिंसिपल साहब को रिपोर्ट कर देंगे कॉलेज में अगर कोई इस तरह का केस आया। वो फिर डिस्ट्रिक्ट आयुष मेडिकल ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर होता है उसको रिपोर्ट करेगा। अब वो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या डीएम को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमको समझना है इन चीजों को। उससे बड़ी चीज क्या है कि हैंड हाइजीन, लोगों को हमको समझाना है कि हैंड हाइजीन कैसे रखें, हाथ को कैसे साफ रखना, उसका तरीका है, वीडियोस है, आप लोग बाद में शेयर कर देंगे किस तरह से पूरे हाथ को साफ रखना है। रेस्पिरेटरी हाइजीन, मतलब जो कोई खांस रहा है तो उसको किस तरह से अपने, एक तो दो लोगों को, जो एक तो जिसको खांसी आ रही है तो किस तरह से वो खांसे, मतलब कि मुंह पे कपड़ा रख लेना है, रुमाल रख लेना है या फिर अपनी कोहनी ऐसे करके रख लेना है, कहीं भी अपने ऐसे पल्लू को या फिर शर्ट को इसको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरे कोई अगर खांसने वाले के आसपास है तो वो अपने मुंह को ढक ले, अपना वो इस्तेमाल, वो क्या कहते हैं उसको, ग्लव्स, ये जो आपका मास्क आ रहा है वो इस्तेमाल करता है। सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को समझाना है कि किस तरह से आप जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है, सोशल ये नहीं कि आप जैसे शाम में निकले और 5-10 लोग एक जगह जमा हो जाए। और कुछ हाई रिस्क ग्रुप है उसका ध्यान रखना है, जैसे वो लोग जिसको पहले से कार्डियक बीमारी हो दिखेगा आपको, या फिर वो लोग हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं जिसको डायबिटीज हो या लंग्स डिजीज हो या किडनी डिजीज हो, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हो या छोटा बच्चा हो या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, ऐसे ये हाई रिस्क ग्रुप में आता है। इन लोगों को बचाने की बात करनी है कि इन लोगों को बताना है कि आप लोग थोड़ा ज्यादा और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। हमने देखिए किस किस तरह से फैल सकता है, हमने खांसा छींका तो वो जो हाथ में लग गया, हमने हाथ मिलाया किसी से उससे फैल सकता है, या किसी सामान को छू लिया, उस सामान को किसी और ने फिर छूया, उस सामान से फिर हमारे सांस में जा सकता है, तो ये भी एक तरीका, इससे भी फैल सकता है, या डायरेक्ट खांसी छींक जो हमें वो दूसरे तक पहुंच जाए। तो हाथ धोने में, छींकने में, खांसने के बाद जो किस तरह से अपने मुंह को ढक के रखना है, वो कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। आप घर पे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि छोटी छोटी पार्टीज हमें स्टार्ट कर दें, बर्थडे पार्टी सब कर दें, ये भी लोगों को समझाना, खुद भी ध्यान में रखना है। किसी भी तरह से हमको सोशल गैदरिंग या एक जगह जमा होकर कोई भी काम इस तरह का नहीं करना है। ठीक है, आप दूसरे हमको समझना है कि टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट कौन कौन हो सकता है। एक आदमी जो कन्फर्म केस है जिसको डिजीज हो गया है, या वो लोग ऐसे एरिया से होके आए हैं जहां पे डिजीज था, या फिर वो ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में रहे हैं जिसको डिजीज था, या ऐसे लोगों के साथ जो सफर किया है, यानी ट्रांसपोर्ट 6 घंटे से ज्यादा बस में रहे उनके साथ, तो ऐसे लोगों के से जो कॉन्टेक्ट में रहा है, तो वो लोग सस्पेक्टेड केस है। और जिसको भी सांस की तंगी आ रही है, सांस में खांसी या फीवर आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोग कन्फर्म केस हो गया, इससे भी हमको दूर रहना है और तुरंत रिपोर्ट कर देना है। कम्युनिटी सर्विलेंस का वो आपको जब दिया जाएगा तो उसका एक फॉर्म होगा, वो सप्लाई किया जाएगा, वो आपको तब हम वो ले जाके लोगों को डोर टू डोर सर्विलेंस करेंगे। एडवाइजरी जो गवर्नमेंट की आएगी जब हमको प्रोवाइड की जाएगी तो उसको हम बता। दूसरे होता है कम्युनिकेशन, कैसे लोगों से हम कम्युनिकेट करें किसी भी लेवल से, सोशल मीडिया पे ये सब जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे आप कहीं भी इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं कि कैसे ये फैलता है, कैसे बचाव करना चाहिए, डिफरेंट मीन है जिससे हमको लोगों को कम्युनिकेट करना है। ठीक है, सर्विलेंस अगर लगता है आपको फील्ड में जाना होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है लोगों को, देखिए मैं फला जगह से आया हूँ, मुझे पता लगाना है कि यहाँ इसका केस है या नहीं है और मेरा नाम ये है। उसका जो आदमी है उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, 1 मीटर की कम से कम दूरी बना के रखना है। ठीक है, दूरी बनाने के साथ साथ तब उससे सवाल करना है, अगर कोई सस्पेक्ट है तो उसका नाम रिकॉर्ड सब ले लेना है, डिटेल पूरा जो परफॉर्मा दिया जाए गवर्नमेंट से वो रिपोर्ट करके, और उसका या उसके जानने वाले का आप कॉन्टेक्ट लेना है कि अगले, अगर मान लिया कुछ इस तरह का ट्रेवल हिस्ट्री मिला है कोई बाहर से आया है, तो अगले 28 दिन तक हम उनको फिर से ध्यान में रख सकते हैं या उन लोगों से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और क्या करना है, सबसे बड़े सपोर्टिव केयर लोग हैं, वर्किंग ग्रुप है उसमें तैयार करना है कि आगे अगर फैलता है कम्युनिटी में तो किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। जो भी पावर में लोग हैं, मुखिया है, सरपंच है या फिर उसके आसपास, अगर हम लोग पटना में है तो वार्ड काउंसलर, इस तरह के लोग हैं, तो उनको तैयार रखना है कि देखिए हम लोग कैसे कम्युनिटी मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम उसको डिजीज का ही पहचान करें, उसको खाने की जरूरत पड़ सकती है, दवा की जरूरत पड़ सकती है, लॉकडाउन में और भी कोई जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए तैयार रखना है, उन लोगों को हेल्प करना है। दूसरे लोगों को बताना है कि घर में रहना कितना जरूरी है, अगर हम बाहर जाएंगे तो किस तरह से हम ब्रीच कर सकते हैं, किस तरह से इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिजीज को फैला सकते हैं, ये सारी चीजें। होम केयर कैसे कर सकते हैं, अगर मान ले जरूरी नहीं कि खांसी कोरोना वायरस से ही हो, खांसी 10 से 20 अलग डिजीज की वजह से भी हो सकती है, तो वो भी समझाना है उसको। घर पे रहे जो घर पे हमको छोटी छोटी चीजें हैं जो घरेलू नुस्खा है उसको वो बताना है किस तरह से आप उसको बचाव करना है। देखिए लोगों में फैला हुआ है बहुत सारी इसको लेके भ्रांति फैली हुई है,
जब कोई नई डिजीज आती है तो लोगों को पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती, तो उससे रिलेटेड जो है ना बहुत सारी अफवाहें फैल जाती है। उस अफवाहों को भी हमको क्रैक डाउन करना है और सही चीज उन लोगों को बताना है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अफवाह किस तरह की हो सकती है, जैसे कहीं फैला होगा कि विटामिन सी लेने से सही हो जाता है, विटामिन सी से कहीं सही नहीं होता है। कहीं पर होगा कि आप जो घंटों तक जीवित रह सकता है वायरस, सही बात है घंटों तक रहता है उससे, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रहता है। पालतू जानवर से फैल रहा है, नहीं फैलता है। 10 सेकंड तक सांस रोकने से अगर दिक्कत हो रही है आपको तो कोरोना वायरस है, ये भी गलत चीज फैली हुई है। इन चीजों को आपको समझना है और उसको काउंटर करना है। देखिए कहाँ कहाँ, एक स्लाइड ये भी दिख रहा है कि कहाँ कितने देर तक ये रह सकता है, पेपर पे कितना देर, कॉपर पे कितना देर, वुड पे, क्लॉथ पे, यानी ये 3 घंटा से लेकर 7 दिन तक बाहर सर्वाइव कर सकता है हमारे बॉडी से। इस कंडीशन में हम लोगों को ये सही से ये हम शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप मेरा नंबर है, आप लोग देख लीजिएगा, उस पर कीजिएगा तो हम सब शेयर कर देंगे आपको। ये आप लोग और जगह पे इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं या पूरा का पूरा शेयर कर सकते हैं। तो जरूरी है कि हम लोग खुद इससे अपडेटेड जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम खुद दूसरे को नहीं बता सकते। इसलिए जरूरी है कि अपना प्रोटेक्शन, देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपका हेल्थ सेक्टर चलता है वो चलता है पैरामेडिक स्टाफ पे। आज के डेट में सबसे कम केस मिल रहा है जनवरी में, इसमें जर्मनी में सबसे कम केस का नहीं बता रहे, सबसे ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट जो कर पाया है वो जर्मनी कर पा रहा है। उसकी वजह क्या है कि दुनिया में जर्मनी ही एक ऐसा देश है जहां पे नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स का रेशियो पूरे वर्ल्ड में विश्व में सबसे अच्छा है। तो इसलिए नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिक्स के लिए जरूरी है कि जो ऐसे भी जब जाइएगा आप फील्ड में, जब आपकी ड्यूटी लगी तो पीपी किट आपको दिया जाएगा, उसमें मास्क है, गॉगल्स है, गाउन है, ग्लव्स है, वो आपको ध्यान में रखना है। इस बीच में भी अगर आपको, अगर कॉलेज में है, अगर आ रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बैठे हों, आपको जरूरी है कि आप पूरी तरह से अपने आप को कवर रखें और पूरा प्रोटेक्शन खुद का होना चाहिए। पेशेंट से एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये अगर किसी भी तरह का इस तरह का केस अगर आपको आसपास आता है तो उसके लिए तैयार रहना है। सर्विलेंस में अगर सरकार हमको भेजती है तो वो एक किट हमको देगी और पूरा उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो ये होगा पूरा उसका जो है ना SOP होगा कि किस तरह से हम लोग उसको काउंटर कर सकते हैं। सवाल किस तरह से पूछेंगे, क्या क्या रिकॉर्ड करना है, पेशेंट से क्या डिटेल लेना है, तो वो हमको मिल जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो है ऐसे तो बहुत बड़ा था लेकिन एक जो हमने समराइज करके आप लोगों को बताया है वो इतना है कि सरकार हमसे क्या चाहती है, हम क्या क्या कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पे कैसे लोगों को हम बता सकते हैं। इस मीटिंग के बाद आप लोग व्हाट्सएप नंबर में ले लीजिएगा किसी से, प्रफुल्ल जी से किसी से, तो या फिर उन्हीं को कहिएगा तो हम भेज देंगे, तो आप लोग पूरा का पूरा स्लाइड ले सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। अब जिन लोगों को सवाल करना है वो हैंड रेज करें, नीचे में हैंड रेज करना होगा, ठीक है, तो आप हैंड रेज कीजिएगा तो फिर मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, उसको मैं अनम्यूट कर दूंगा। एक असूस करके मुन्नी जी हैं, कोई पूछ रही, पूछे कुछ आप मुन्नी जी, आप पूछ सकती हैं। और किसी कोई सवाल पूछना है, कोई सवाल पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा तो आपकी आवाज तब आएगी। किसी को सवाल पूछना है तो वहां नीचे देखिएगा हैंड रेज करने का एक तरीका होगा, आप लोग हाथ ऐसे उठाइएगा तो यहाँ मुझे दिख जाएगा, फिर मैं उसको ओपन कर दूंगा तो वो सवाल पूछ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है पूछेंगे आप? नर्सिंग स्टाफ में से कोई क्वेश्चन? अच्छा आप पूछिए, प्रियंका कुमारी कुछ पूछ रहे हैं। जी सर, ये जो COVID-19 का जो टेस्ट है सर्वाइल, तो वो तो अभी हम लोग के यहाँ अवेलेबल नहीं है सर। नहीं नहीं, लेकिन ये कहाँ के लैब है? यहाँ आपको पटना से कहाँ जा रहा है? PMCH, NMCH आप रेफर कर सकते हैं। इस तरह कोई भी सिम्टम्स वाला अगर कोई मिलता है तो आपको हम लोग को रेफर कर देना है उसको, बाकी सरकार उसका टेस्ट करवाएगी या फिर यहाँ पे एक और सेंटर है RMRI करके, वहाँ हम लोग रेफर कर देंगे, ठीक है जी।
तो वहां हम लोग उसको रेफर कर सकते हैं। हमारा काम है कि इस तरह के सिम्टम्स के जो भी पेशेंट मिलेंगे उनको रेफर कर देना है, ठीक है, उसको रखना नहीं है, रेफर कर देना, बस पहचान लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं पहचानेंगे तो आपको हो जाएगा, आपके